वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम लाए हैं क्लास थर्ड ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स पोल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए बीपीएसई 142 का, यानी कि बीएजी एंड बीए ऑनर्स पोल साइंस वाले बच्चों के लिए वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 7 जून से, तो स्टार्ट होगा थर्ड ईयर वाले बच्चों का, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न 1, भारत विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फिर बात करें हम सेकंड क्वेश्चन, एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति 1 में क्या परिवर्तन हुए, वर्णन कीजिए। इनके आंसर्स के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं इनके आंसर्स के लिए। फिर थर्ड प्रश्न की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI क्या है, समझाइए। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों की व्याख्या कीजिए। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, ईस्ट नीति पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न 6, भारत के समक्ष व्यापार और विदेश नीति को लेकर आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 7, भारत की विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। प्रश्न नंबर एट में पूछ रहा, बांग्लादेश का एक भू रणनीति के रूप में अवलोकन कीजिए। फिर बात करते हैं प्रश्न 9, 21वीं सदी में भारत की गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 10, आरंभिक चरण में भारत सोवियत संबंधों पर प्रकाश डालिए। फिर ये सैंपल पेपर 2 है हमारे पास, तो इसके इनमें भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, रणनीतिक दृष्टि से नेपाल के महत्व को रेखांकित कीजिए। प्रश्न नंबर 3, भारत के विदेश नीति की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4, भारत लैटिन अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 5, भारत के पर्यावरण संबंधी घटनाओं मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए और संक्षेप में चर्चा कीजिए, भारत ने पर्यावरण क्षरण के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दिया है। प्रश्न नंबर 6, सेकंड सैंपल पेपर 2 की बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स पोल साइंस ऑनर्स और बीएजी प्रोग्राम जैसे बच्चों के लिए है ये। तो प्रश्न नंबर 6 है, भारत और अमेरिका के मध्य परमाणु संबंध पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 7, 1990 के दशक में शांति प्रक्रिया और CVM का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, भारत के आसियान के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 9, भारत व चीन के मध्य के संवाद एवं समझौतों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 10, भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताएं क्या हैं, वर्णन कीजिए। फिर आया हमारा गैस पेपर की बात करें तो गैस पेपर में टोटल 10 प्रश्न दिए हैं, जिनमें कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए हर भाग से। तो गैस पेपर क्या है, पहला प्रश्न है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सुरक्षा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए, इसके ऊपर आंसर देना है। भारत और मध्य एशिया के संबंधों का वर्णन कीजिए। फिर बात करें प्रश्न नंबर 3, UPA शासन के दौरान भारत की विदेश नीति की चर्चा कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 4, रणनीतिक दृष्टि से श्रीलंका के महत्व को रेखांकित कीजिए। प्रश्न 5, भारत की चीन नीति पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न 6, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 7, लुक ईस्ट नीति पर टिप्पणी लिखिए।
लुक ईस्ट नीति पर टिप्पणी लिखिए। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र में भारत रूस समन्वय पर प्रकाश डालिए। किस पर डालना है? भारत रूस और भारत रूस समन्वय पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय विदेश नीति निर्माण की जटिलता के बारे में बताइए। प्रश्न आगे गैस पेपर 2 है, गैस पेपर 2 में भी वही टोटल 10 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसका, स्वतंत्रता के बाद से भारत एवं अमेरिका के संबंधों का वर्णन कीजिए। फिर बात करते प्रश्न नंबर 2, भारत तथा अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग पर प्रकाश डालिए। किस पे? आर्थिक सहयोग पर प्रकाश डालिए। फिर बात करते प्रश्न नंबर 3, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति और प्रकारों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 5, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं? इसके लिए की जाने वाली पहलों का वर्णन कीजिए, जो की जाने वाली पहलों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, भारत अफ्रीका संबंधों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 6, नेहरू का शासनकाल भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के क्या कारण थे? इन युद्धों के क्या परिणाम निकले? प्रश्न 8, 2030 में भारत की अनुमानित स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9, अफगानिस्तान के भू रणनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। भारत चीन संबंधों में सीमा मुद्दे पर प्रकाश डालिए। फिर जून 2022 में जो बच्चों के पेपर होते हैं इससे पिछले साल का, तो उसके कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1, 1947 के बाद यानी 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। पहला है ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे आपको जवाब देना है, और सेकंड है सी जिनपिंग क्या है। सी जिनपिंग जन्म 15 जून 1953, जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता हैं, जो चीन के राष्ट्रपति, चीनी साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता हैं, जो केंद्रीय समिति का महासचिव, केंद्रीय सैनिक समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष हैं। उन्हें 15 नवंबर 2012 में चीनी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव घोषित किया गया। चीनी नामों के प्रथमानुसार उनके पारिवारिक नाम का उनका पहला नाम सी है और चिनपिंग उनका व्यक्तिगत नाम है, यानी सी जिनपिंग, इसलिए उन्हें साधारणतः अपने पहले नाम से सी से बुलाया जाता है। नवंबर 2012 में सी जिनपिंग को चीनी साम्यवादी पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। सी जिनपिंग चीनी पार्टी के एक पुराने नेता थे, सो चोंगसुन 1913 से लेकर 2002। पुराने नेता सो चोंगसुन के पुत्र हैं सी जिनपिंग। साम्यवादी पार्टी के अपने आरंभिक दौर में उन्होंने फुजियान प्रांत में काम किया, उसके बाद उन्हें पड़ोसी के झेंजियांग प्रांत का पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। इसके उपरांत संघाई में चेन लिंगा लियांग गयू के भ्रष्टाचार के आरोप पर सेवा से निकाले जाने पर उन्हें उस महत्वपूर्ण क्षेत्र का पार्टी प्रमुख बनाएगा। सी भ्रष्टाचार पर अपने कड़े रुख और राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दो टूक बातें करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें चीनी साम्यवादी पार्टी के नेता की पांचवी पीढ़ी का प्रधान कहा जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत की विदेश नीति के बदलते उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 7, चीन भारत संबंधों में तिब्बत फैक्टर की व्याख्या
कीजिए। प्रश्न नंबर 8, दो दो शब्दों में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर लिखना है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी शब्द का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है, जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से संस्कृत अथवा औपचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसके आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किए बिना अन्य राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्ट पावर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ ने द्वारा किया गया था। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लोकप्रिय होने के कारण सॉफ्ट पावर की नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे यह संबंधों को मजबूत कर विकास में योगदान करती हैं। जबकि हार्ड पावर नीति में एक तरफा कार्रवाई सैन्य क्षमता को बढ़ाना जैसे कदमों के कारण यह अत्यधिक महंगी, कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गई। हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर नीति में संसाधनों का प्रयोग लागत प्रभावी तरीके से हो सकता है। भारत के सॉफ्ट पावर नीति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। भारत की आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, धर्म आदि के साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचारों आदि ने वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया है। भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, चिकित्सा आदि की व्यापक सांस्कृतिक विरासत है, जिसने अनेक देशों को प्रभावित किया है। भारतीय सिनेमा ने लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित भी किया है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक भागीदारी ने भारत के सॉफ्ट पावर छवि को मजबूत किया है। फिर बात करते हैं, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सार्क सैटेलाइट की भारत के सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने सैनिक भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसमें? शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। कौन सा देश है वो? भारत है। भारत अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर पर्यटन, सिनेमा, खेल कला संस्कृति को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर की छवि को और मजबूत कर सकता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हिम साला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री रूप में उनकी यह पहली मालदीव की यात्रा है, जिसे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की साथ की गई है। मालदीव यात्रा जैसे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की गई। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत यह उठाया गया कदम है। हालांकि संबंधों का यह दौर कोई नया नहीं है। इसी वर्ष चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 16 स्पष्ट रूप साले सलाह के बाद स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि उनकी नीतियाँ फर्स्ट इंडिया फर्स्ट ही की रहेगी। संबंधों के लचीलेपन को एक नई उदारवादी पड़ोस नीति या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन के तौर पर देखा जा रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तेजी से बदले परिदृश्य के साथ बाहरी मामलों से निपटने के लिए नीतियां भी बदलती रहती, तब भारत भी समय समय पर अपने विदेश नीति में ऐसे बदलाव करता रहता है ताकि समय अनुसार स्थितियों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। भारत ने वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट नीति फर्स्ट पॉलिसी 2005 में प्रारंभ किया था। नेबरहुड फर्स्ट नीति का अर्थ है अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने से, अर्थात पड़ोसी पहले। इस नीति के तहत सीमा क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी एवं सांस्कृतिक विकास तथा लोगों के आपसी संपर्कों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि
सॉफ्ट पावर पॉलिसी का एक ही माध्यम है। इस नीति के तहत शामिल महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार। इस नीति के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों तथा हिंद महासागर के द्विपक्षीय देशों को राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिए इच्छुक है। पड़ोसी देशों को संसाधनों, सामग्रियों तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान कर समर्थन देना भी है। भारत की इस नीति का उद्देश्य है भारत के नेतृत्व में क्षेत्रवाद के ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना जो पड़ोसी देशों के भी अनुकूल हो। वस्तुओं, लोगों, ऊर्जा, पूंजी तथा सूचना के मुक्त प्रवाह में, मुक्त प्रवाह यानी कि आज़ादी से वो अपनी इधर से उधर आना जाना कर सके। सुधार हेतु व्यापक कनेक्टिविटी और एकीकरण बना रहे, यानी आपस में मिलजुल कर रहे हैं और एकीकरण है, एक ही चीज़ को दोनों लोग भी मान सके, वो भी और ये भी, और आपसी मतभेद ना हो, उनसे आपसी संबंध बहुत अच्छे से निभाए जाए। साथ ही सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करना भी क्या कहलाता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें।